मंदसौर के सीतामऊ में पुलिस ने अनोखे तरीके से पति पत्नी के उलझे रिश्ते को सुलझाया है। जब कानून से बात नहीं बनी तो गंगा जल का सहारा लिया। दरअसल पत्नी घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर तलाक लेने पर अड़ गई थी। पुलिस ने 2 घंटे तक समझाइश दी, इस पर बात नहीं बनी तो गंगा जल सामने रखकर दोनों के टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ दिया। मामला सीतामऊ थाने के भगोर गांव का है। यहां रहने वाले दिनेश सोलंकी का पत्नी यशोदा के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। बिगड़ा रिश्ता थाने तक पहुंचा। पत्नी ने पति के खिलाफ सीतामऊ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी थी। पत्नी का आरोप था कि चरित्र शंका में पति उसे प्रताड़ित करता है, इस कारण वह पति के साथ नहीं रहना चाहती है, उसे तलाक चाहिए। पुलिस ने दोनों के रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश की और उनकी काउंसलिंग भी की। हालांकि पत्नी घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए तलाक पर अड़ी रही। दोनों एक दूसरे के साथ रहने को तैयार ही नहीं थे। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद TI कांस्टेबल ने गंगा जल को लाने को कहा। पुलिस ने दोनों के सामने गंगा जल रखा और उसे साक्षी मानकर कहा कि दोनों शांति से अपनी बात रखो। इसके बाद गंगा जल के सामने तय करो कि आगे क्या करना है। इस पर पति पत्नी शांत हुए और गंगा जल को साक्षी मानते हुए गिले शिकवे भुलाकर साथ रहने को तैयार हो गए। इतना ही नहीं, फिर भी कभी विवाद नहीं करने की कसम भी दोनों ने खाई। दो परिवारों में आपसे समझौता करवाया पति पत्नी का, किस तरह से समझौता करवाया? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की यही सोच है कि पारिवारिक रूप से विघटन नहीं हो, इस उद्देश्य को लेकर दो परिवार में विवाद था, पति पत्नी में कुछ मतभेद थे। उस मतभेद को हमारे द्वारा प्रयास किया कि हमारे द्वारा स्वागत अधिकारी कक्ष बनाया गया। हमारे स्वागत अधिकारी ने उनसे पूछताछ की, पुनः फिर मेरे द्वारा पूछताछ की, आसपास में बैठक की। बैठक कराने के बाद प्रयास किया दोनों परिवारों में कि दोनों अच्छे से रहें। पति पत्नी इस बारे में कुछ हद तक संतुष्ट भी हुए हैं और निश्चित रूप से वो लगभग तैयार हो गए हैं और हम लोग उसके अनुसार ही उनके परिवार को वापस मिला देंगे। सर, गंगा जल का सारा भी समझौते में? हाँ, एक विश्वास है, गंगा जल हमारा जो है तो विश्वास के रूप में प्रतीक है। तो पति ने बोला कि मैं गंगा जल की कसम खा सकता हूँ, मेरे द्वारा गंगा जल लाकर भी रखा और उनको कसम भी खिलवाई। और महिला जो उसकी पत्नी वो गंगा जल की कसम के बाद बहुत कुछ हद तक प्रेरित हुई और मानने को तैयार हुई।